ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, जिसके चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख एक एक कर कई सवालों में घिरते नजर आ रहे हैं। देशमुख को बचाने में उतरे एनसीपी चीफ शरद पवार ने सोमवार को एक बार फिर मीडिया से बातचीत में बताया है कि अनिल देशमुख कोरोना से संक्रमित होने के बाद 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में रहे और फिर डिस्चार्ज होने पर 16 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटाइन में थे। पवार ने कहा, ऐसे में देशमुख कैसे सचिन वाजे से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर खुद को पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होम डिपार्टमेंट में लगाए जाने के उद्धव सरकार के फैसले के विरुद्ध परमवीर सिंह आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं परमवीर ने अपने लगाए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव करते हुए पीसी में कहा था कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने लेटर में कहा है कि अनिल देशमुख और सचिन वाजे के बीच फरवरी के मध्य में मुलाकात हुई थी। वहीं अस्पताल का यह पर्चा बता रहा है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के दौरान नागपुर में कोरोना के इलाज के लिए एडमिट थे। इसके बाद वह 27 फरवरी तक होम क्वारंटाइन में चले गए थे। वहीं अनिल देशमुख के बचाव में उतरे शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही देर बाद में ही सवाल उठ गया कि 15 फरवरी को तो अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया कर्मी ने जब इस संबंध में शरद पवार से सवाल पूछा तो वो जेब से गए और कहा कि मैं तो इस पर्चे के आधार पर बात कर रहा हूँ। बाद में पवार यह कहते भी दिखे, यह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बातचीत की थी। हालांकि अब खुद अनिल देशमुख ने इस सवाल का जवाब दिया है। अनिल देशमुख ने कहा है कि वह 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटाइन में ही थे और पहली बार 28 फरवरी को ही घर से बाहर निकले थे। देशमुख ने कहा, जब मैं 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो कुछ पत्रकार अस्पताल के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं वहीं कुर्सी पर बैठा और उनके सवालों का जवाब देने लगा। इसके बाद मैं सीधे अपनी गाड़ी में बैठा और घर गया। उधर मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद अब आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परमवीर सिंह ने अपना ट्रांसफर होम डिपार्टमेंट में किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में यह भी कहा है कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। वहीं अपने तबादले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए परमवीर सिंह ने कहा है कि उन्होंने जैसे ही अनिल देशमुख की भ्रष्ट नीतियों के बारे में सीएम उद्धव ठाकरे और अन्य वरिष्ठ नेताओं को बताया तो उनका तबादला कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई की तारीख तय नहीं की है। बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से ट्रांसफर के बाद परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर सियासी घमासान पैदा कर दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देशमुख ने वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परमवीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए ताकि सारा सच सबके सामने आ जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो मुंबई। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।